फ्रेंड माँ अम्बे रसोई में आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड यदि मेरी यूट्यूब चैनल पर आप नए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन उसको पुशें जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स आज मेरी रसोई में दम आलू की सब्जी बन रही है। दम आलू तो सबको ही पसंद आती है, आप कोई भी फंक्शन रखें एक आलू सब्जी होती है उसमें दम आलू सब्जी जरूर होती है। तो दम आलू आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं इसको। ये मैंने दम आलू सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है और इसका आप देख सकते हैं रस रस कितना अच्छा है। तो इसकी ग्रेवी और ये सब्जी मैंने कैसे बनाई इसके लिए माँ अम्बे रसोई में चलना पड़ेगा। चलते हैं माँ अम्बे रसोई में दम आलू की रेसिपी देखने। आपको पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं रेसिपी देखने। फ्रेंड दम आलू बनाने के लिए मैंने ये 8 आलू लिए हैं। ये ना मीडियम बहुत छोटे हैं ना तो बहुत बड़े हैं, ये मीडियम साइज के आलू लिए हैं मैंने। और इनको अच्छे से बाजार से आए तो धो लिए अच्छे से, अब इनको हम छील रहे हैं। मैंने आलू को इसी तरह सारे छील लेने हैं। फ्रेंड देखिए मैंने आलू छील लिए, अब इनको 20 से दो हिस्से करने हैं। आलू थोड़े से बड़े हैं इसलिए इनको 20 से दो हिस्से कर रहे हैं। मेरे सभी आलू गुद गए हैं, पानी पड़े हैं, अब इनको हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल आप अपनी पसंद का भी कोई ले सकते हैं, सरसों का ऑयल या रिफाइंड या घी कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इनको आलू जब आप डालें तो फ्लेम उसकी तेज होनी चाहिए, उसके बाद मीडियम फ्लेम में कर लेना चाहिए। इसलिए कि यदि आप फुल फ्लेम में यदि भूनेंगे तो आलू अंदर कच्चे भी रह सकते हैं। हमें इन्हें अंदर तक पकाना है इसलिए जब हम डालें तो 2 मिनट आप तेज आग में भूनिए, फिर उसके बाद गैस को थोड़ा धीमा कर लीजिए। आलू गुलाबी हो गए हैं और आप चाहें तो इसे डार्क भी कर सकते हैं। मैं जो लाल लाल होते जा रहे हैं उनको निकालती जा रही हूँ। मेरे आलू सभी भुन गए हैं, चलिए हम मसाले की तैयारी करते हैं। यदि बिना पानी में नहीं डालेंगे तो ये आलू काले भी हो सकते हैं। फ्रेंड देखिए चाकू से इस तरह से आप इनको गोद सकते हैं। आपके बार यदि फ्रॉग हो, फलकाने वाला कांटा, उससे भी गोद सकते हैं। पानी में इसलिए डालते हैं कि ये काले नहीं हों, यदि काले हो जाएंगे तो सब्जी में वो काले काले जैसा आ जाएगा। फ्रेंड मेरे आलू सभी गुद गए हैं, अब इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। मैंने एक कढ़ाई पर ऑयल डाल दिया है, ऑयल मेरा पहले से ही कढ़ाई में पड़ा हुआ था, मैंने इसे पूरी बनाई थी उसी तेल पर मैं इसको भून लिया। आप कोई भी ऑयल डालकर बना सकते हैं, जैसे सरसों का ऑयल, रिफाइंड या घी में भी बना सकते हैं। आलू को जब आप भूनने के लिए डालें तो फ्लेम तेज़ रखें, उसके बाद मीडियम में कर लिए। वो इसलिए कि आलू ऊपर से तेज़ फ्लेम में आलू ऊपर से तो भुन जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे रह जाएंगे। हमें आलू को थोड़ा मीडियम आंच में करके इनको पूरा अंदर तक पकाना है। आप इनको गुलाबी होने तक का भून लीजिए। देखिए आलू जो पक गए हैं, लाल हो गए हैं, वो उनको हम मैं निकाले ले रही हूँ। मेरे आलू सभी भुन गए हैं, चलिए हम मसाले की तैयारी करते हैं। फ्रेंड ये मैंने एक प्याज छील लिया है और ये एक थोड़ी सी अदरक है और मेरे पास 2-3 लहसुन सूखे पड़े हुए थे, वो मैंने पानी में डाल दिया। अब इसमें उसी में प्याज और ये अदरक डाल देते हैं, एक बॉयल आने तक इसको पकने देते हैं, इसको ढक देते हैं। फ्रेंड देखिए मेरा ये पानी अंदर खोल रहा है, इसको मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ। फ्रेंड देखिए प्याज अदरक और लहसुन का पानी खोल रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। मसाले की तैयारी करते हैं। ये देखिए 1 चम्मच दही है, दही थोड़ा है पानी ज़्यादा है, तो ये इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, बस 1/2 टीस्पून डाला है मैंने गरम मसाला। अब इन मसालों को मिक्स करके फूलने दीजिए जब तक हम प्याज को निकाल लेते हैं। फ्रेंड प्याज पक गया है और प्याज, लहसुन, अदरक सब मैं इस एक बाउल में निकाल के रख देती हूँ। फ्रेंड प्याज अदरक को हम निकाल लेते हैं और लहसुन को इनको मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं।
थोड़ा सा इसी का पानी डाल के इसको पीस लेंगे। और ये जिसमें उबाला ये हम पानी फेंकेंगे नहीं, इसको ही सब्जी में यूज कर लेंगे। फ्रेंड देखिए प्याज अदरक का ये पेस्ट पीस कर तैयार हो गया। फ्रेंड इसमें मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल आप कोई सा भी डाल लें जो आपको पसंद हो। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। जीरा पक गया है, अब इसमें जो मैंने मसाला दही में फुलाया था वो डाल लेते हैं। फ्रेंड मैंने जो प्याज लहसुन पीसा था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब फ्रेंड इसमें हम 2 से 3 चम्मच खोया डाल देते हैं। खोया डाल के अच्छे से इसको भून लीजिए। ये मेरा खोया घर का ही निकला हुआ है। फ्रेंड मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं 1 कटोरी पिसे हुए टमाटर डाले, ये 2 टमाटर है थोड़े बड़े साइज के थे। अच्छे से मसालों को भून लीजिए, टमाटर को भी अच्छे से भून लीजिए। आपके पास यदि खोया नहीं है तो आप उसकी जगह घर की दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मलाई निकालिए दूध से और डाल दीजिए। मलाई तो हर एक के फ्रिज में तो रहती ही है। मलाई नहीं है तो आप यदि गरी का बुरादा हो या तो गरी हो तो उसको आप मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड देखिए मसाले अच्छे से भून गया है और देखिए ऑयल भी छोड़ दिया है। फ्रेंड इसी जगह मैं नमक डाल देती हूँ, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार से डालिएगा। अब मैं ये दम आलू इसमें डाल देती हूँ। जो मैंने प्याज अदरक उबाला था मैं उसका ही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिला लीजिए। आप अपना जो ग्रेवी है वो अपने अनुसार थोड़ी सी पतली और गाढ़ी रख सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हो उस तरीके से। अब इसको कवर करके 5 मिनट तक पकने देते हैं। फ्रेंड मैं इसको बीच में ही खोल रही हूँ। अब मैं इसको कवर करके और पका लेती हूँ। फ्रेंड 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखने दीजिए, फिर सर्व कीजिए, क्योंकि आलू में अच्छे से जो हमारा ग्रेवी है एब्जॉर्ब कर ले।